हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जब ब्रेक पैड ख़राब होता है कोई भी बाइक का, सामने का जो ब्रेक पैड है ये जब ख़राब होता है तो कैसा आवाज़ आता है और क्या क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब डिस्क ब्रेक पैड जब ख़राब होता है तब यहाँ ब्रेक पैड पूरा खाई देने से लोहा में यहाँ पर लगता है, ये डिस्क में लगने का बाद में आवाज़ आता है, जैसे घिस घिस आवाज़ आता है। और दूसरा आपका डिस्क जो है इसमें क्रैच आ जाता है, और ज़्यादा क्रैच आने से क्या होता है, जब न्यू डिस्क पैड लगाएंगे उस टाइम में आपका ज़्यादा ब्रेक पैड लास्टिंग नहीं होगा, और जब लोहा में चलाएंगे आप तो तब क्या होगा, ब्रेक लगाने के बाद में ये घिस जाएगा और इसमें क्रैच आ जाएगा। उस टाइम में न्यू ब्रेक पैड लगाएंगे तो भी इतना लास्टिंग नहीं होगा। तब देखिए, हम इसको खुलते हैं, क्या हो गया है ये जो ब्रेक पैड है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खोल रहा हूँ। इसको खोलना है पहले। देखिए, अभी खुल गया ब्रेक पैड, अभी इसको निकालता हूँ। ये जो बोल्ट है इसको निकालना है। देखिए, यहाँ पर लोहा में कैसे घिसा है, ये डिस्क यहाँ पर लगा है इसलिए घिस घिस ऐसा जैसे आवाज़ किया है, और ये डिस्क में स्पॉट आ गया है इसलिए ये थोड़ा। अभी क्या करना है, ये खाने से पहले चेंज करना है, जब थोड़ा थोड़ा रह गया उस टाइम में चेंज करना है, क्योंकि ये डिस्क में स्पॉट नहीं होगा। स्पॉट आने से क्या होगा, आपका डिस्क पैड न्यू लगाएंगे जब उस टाइम में जल्दी आ जाएगा। अभी क्या करना है, इसको पिस्टन को प्रेशर देना है। पहले ये इसको ये जो वोल्ट है यहाँ पर जो वोल्ट है ये वोल्ट खोलना है, क्योंकि पिस्टन में प्रेशर देने का बाद में क्या होगा, ये जो जितना गंदा है ऊपर, इसको ओपन करने का बाद में पिस्टन जो पिस्टन है ब्रेक पैड का पिस्टन है ये दबाना है, क्योंकि उसका बाद में क्या होगा, जो ख़राब ऑयल है यहाँ पे निकाल सकते हो, इसलिए इसको ओपन करने का बाद में यहाँ पे दबाना है। अभी क्या करना है, ब्रेक पैड लगाने से पहले क्या करना है, अभी पिस्टन को यहाँ पर लगा के पहले इसको ओपन करना है। इसके बाद में इधर में घुसा के इसे मार सकते हो, क्योंकि हम घर पर काम कर रहे हैं इसलिए जो हमारा मंकी फ्लास होता है, ये मंकी प्लास चाहिए, मंकी प्लास से इसको पिस्टन को नीचे दबाने पड़ता है। अभी दब भी किया है, अभी क्या करना है, इसको सफा करना है अच्छा से। अभी देखिए, ये
ग्लेमर का ब्रेक पैड है। कैसा रहता है देखिए, न्यू है। अभी इसमें क्या करना है, इसमें ग्रीजिंग करना है, लेकिन ऑलरेडी इसमें ग्रीज है, इसमें ग्रीज करने पड़ता है। इसको लगा देता हूँ। देखिए अभी लग गया है। पहले इसको घुसाना है, छोटा वाला। ऐसा घुसाना है, उसका बाद में इसको घुसाना है। देखिए ये लंबा वाला बार साइड में, ये साइड में रहना चाहिए। अभी पिन को घुसाना है, ये जो पिन है इसको घुसाना है इधर से। इसमें एक लॉक होता है, ये साइड में एक लॉक होता है। देखिए अभी फिटिंग हो गया है। अभी थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि डिस्क में नहीं जाएगा, इसलिए स्क्रू ड्राइवर घुसा के। देखिए अभी घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा अंदर जाना चाहिए। बोल्ट को टाइट देना है। नीचे दबाने से देखिए यहाँ पर ऑयल ऑयल जो है फूल है, ऑयल नहीं चाहिए। देखिए ऑयल अभी नहीं लगेगा, ऑलरेडी ऑयल है। ऑयल अच्छा है ये, देखिए ये ऑयल फूल ही है। अभी क्या करना है, इसको ऑयल ठीक है, ऑयल ख़राब होने से चेंज करना है, लेकिन ये ऑयल ठीक है। अभी क्या करना है, पंप करना है। देखिए अभी ब्रेक हो गया, इसको दो तीन बार पंप करना है, चार पांच बार। देखिए ये पूरा उठ चुका है। और नीचे यहाँ पर ब्रेक लग रहा है, देखिए नहीं ये टायर। देखिए